संविधान कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो NRC को लेकर जो दंगा भड़का था, आप सभी लोगों को पता है, पूरे देश में ये गूंज सुनाई दिया था, जो कि जो दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था। आपको बताना चाहता हूँ, उस दंगा में एक मतलब नई खबर निकल कर आ रही है। जब उस दंगे के बारे में जब जांच किया गया कि क्या कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे, आपको बताना चाहता हूँ, कुछ छात्र संघ नेता जी भी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को मतलब गिरफ्तार भी किया है, कुछ मुसलमान समाज के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसमें जो मेन थे उनको नहीं गिरफ्तार किया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि मेन किस तरीके से वो दंगा भड़काने का काम करी, एक महिला होकर वो दंगा भड़काने का काम की, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस, लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे जो भी बता रहे काट डालो उसको, काट डालो। ये भिमटी है क्या? अरे कौन है बे तू? बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार। आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। बहुत हुआ। आपको बताना चाहता हूँ, उनका नाम है रागनी तिवारी। आप लोग वीडियो के जरिए देख सकते हैं, वो ये खुद कह रही हैं कि ये भीमटी है क्या, इसको भी यहीं पे काट डालो। अब सोचिए, ये दंगा भड़काने का नहीं काम कर रही हैं तो क्या कर रही हैं? और यहाँ तक वो ये भी चिल्ला रही थी रागनी तिवारी जी कि मोदी जी तुम मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस तुम मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अमित शाह जी, ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा वो नारा लगा रही थी। और वो इस तरीके से मतलब दंगा भड़का रही है, जो कि लाइव आकर इस तरीके से बोली। अब आप लोग सोचिए, वो BJP की समर्थन करती हैं तो उनके लिए कोई मतलब कुछ नहीं हुआ उनको, लेकिन बहुत सारे छात्र नेता थे और बहुत से ऐसे मुसलमान समाज के थे, दलित समाज के लोग थे, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी वहाँ पे। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो मेन है उसको तो नहीं गिरफ्तार किया गया। रागनी तिवारी ने काफ़ी ज़्यादा दंगा भड़काने का काम किया, लेकिन उसको कोई भी गिरफ्तार नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कमी है, दिल्ली भी सरकार की कमी है, और हमारे देश की भी जो सरकार है उसकी भी कमी है। आपको साथियों बताना चाहता हूँ कि चाहे वो दलित समाज से बिलोंग करे, चाहे वो मुसलमान समाज से बिलोंग करे, चाहे वो हिंदू समाज से बिलोंग करे, किसी भी कौम से, किसी भी जाति और किसी भी चीज़ से वो आए, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, जो देश के अंदर जो दंगा भड़काने का काम करेगा उसको भाई सज़ा मिलनी चाहिए, किसी भी समाज का हो, उससे हमें मतलब नहीं। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम इस्तकबाल। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय भीम।